गौतम थैंक्स फॉर स्टेइंग बाय एंड चोखा आपका भी इनफैक्ट थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आपने वेट किया. चलते चलते गौतम, ये जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है उसमें विद इन निफ्टी जो स्टॉक्स हैं उस पर आप ज़्यादा बुलिश हैं या फिर मिड कैप में जो प्राइवेट बैंक्स हैं उस पर? No, I think I would look at the larger cap private banking stocks. I think some of the setups there are still pretty strong. But as I said, because the Bank Nifty itself is at such an important resistance, I would wait for at least a 3-4%, maybe even a 5% kind of a dip in the overall index on the banking front. And that will, I think, present a good opportunity. But if you have to really look at banking from a 3-year perspective, I think the risk reward to buy even now is lucrative. But if you can get better levels, I think you should make the most of that. So that's the reason I think investors should look at hunting opportunities in the next 2 months and look to enter them from a buy and hold perspective. चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक अपना आउटलुक शेयर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया. चुका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखने के लिए. चलिए, अब एक खास मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी है बात करने के लिए, ONGC के नतीजे और उसके बाद बात करने के लिए नंबर्स पे हमारे साथ मिस्टर DK श्रॉफ हैं, CMD ONGC के. श्रॉफ साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका. सर एग्जैक्टली अगर आप देखें तो जो प्रॉफिट फिगर्स रही, बॉटम लाइन फिगर्स रही, स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी रही, और क्रूड के दामों को देखते हुए कच्चा तेल जिस तरीके से लोअर लेवल से पुल बैक लिया है इसने, एग्जैक्टली अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट लग कैसा रहा है? देखिए, कहना बहुत कठिन है कि आगे आने वाले टाइम में प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगी, लेकिन हम मेंटली फाइनेंशियली सब तरह की सिचुएशंस को सामना करने में पूरे सक्षम हैं. हमने $30 का टाइम भी देखा है जो कि जनवरी फरवरी में था इस साल के शुरू में, और अभी प्राइसेस $45 के आसपास हैं और थोड़ा ऊपर ही उठ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में. और प्राइसेस के कम होने के साथ साथ ऑयल फील्ड सर्विसेज, रिग्स, लॉगिंग सर्विसेज, प्लेटफॉर्म्स, पाइपलाइंस, उन सब के दामों में भी कमी आ रही है, उससे भी हमको काफ़ी मदद मिलती है. तो ये थोड़ा विषय ऐसा है कि जिसमें हम हमारा कंसर्न रहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब हमको अपना बिजनेस मॉडल को चेंज करने में कोई उस तरह का कोई हमको करना पड़े. और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं कंपनी में, उनसे भी हमको काफ़ी मदद मिल रही है. मिस्टर सराफ, ऑयल एंड गैस का जो प्रोडक्शन है उसमें हमने गिरावट देखी है, एंड स्पेशली जो ग्लोबल एनवायरनमेंट इस समय क्रूड को लेकर है, गोइंग फॉरवर्ड आप प्रोडक्शन पैटर्न किस तरह का देख रहे हैं? अभी देखिए, जो गैस प्राइसेस हैं वो दो तरह की गैस प्राइसेस हैं भारत में. एक तो जो जिसको डोमेस्टिक नॉर्मल गैस बोलते हैं, उसकी प्राइसेस जो हैं वो विश्व की कुछ मार्केट्स के बेसिस के ऊपर तय की जाती हैं, जो कनाडा की मार्केट है, US की हेनरी हब की मार्केट है, यूरोप की NBP मार्केट है, या रशिया की मार्केट है, उसके बेसिस पे डिसाइड की जाती है. और वो गैस की जो प्राइसेस हैं $5.50 से स्टार्ट हुई थी एक 1.5 साल पहले, और अभी वो 3.06 पे आ गई हैं. और अभी ऐसा अनुमान है कि अक्टूबर में वो प्राइसेस जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी वो $2.50 के आसपास या उससे भी थोड़ा बहुत कम पे आ जाए. तो ये एक फार्मूला से डिटरमिन होती हैं, और वो फार्मूला ट्रांसपेरेंट है, और हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि इस फार्मूले को रिव्यू किया जाए और गैस प्राइसेस थोड़ी बढ़ाई जाए, ताकि हमको एक्सप्लोरेशन करने में, एक्सप्लोइटेशन करने में, नए कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में कुछ मदद मिल पाए. जी शराब साहब, अब आपके और इनफैक्ट ONGC और रिलायंस के जो विवाद थे उस पर थोड़ा बात करते हैं. दरअसल हुआ ये है कि सर, AP शाह पैनल का ये कहना है कि मुआवजा ONGC को नहीं, सीधे सरकार को मिलना चाहिए. ONGC पर 6 साल तक साइलेंट रहने का इल्ज़ाम लगाया गया, इस पर आपकी राय क्या है? जो मेन मुद्दा शाह कमेटी के सामने था और जिसकी वजह से हमने ये सब शुरू किया था, वो ये था कि हमारे फील्ड से, रिलायंस के फील्ड में गैस गई है या नहीं गई, और अगर गई है तो वो प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई, वो सब चीज़ों को शाह कमेटी ने देखा है, और एक टेक्निकल कंसल्टेंट ने भी देखा है, और उस सब का नतीजा ये निकला है कि गैस गई है
और उस गैस को प्रोड्यूस भी किया गया है। तो जो हमने अभी तक हम कह रहे थे पिछले दो सवा दो सालों से, वो हमारा जो कहना है सच साबित हुआ है। अभी उसका जो कॉम्पनसेशन है हमको मिलेगा या भारत सरकार को मिलेगा, ये सब जो चीज़ें हैं ये डिटेल्स का मुद्दा है और अभी हम डिटेल में जाने के सिचुएशन में नहीं है। इसको देखेंगे, इसको किस तरह की सर्कमस्टांसिस होती हैं और उसके ऊपर ऐसा निर्णय किया जाएगा सरकार के द्वारा। बिल्कुल सर, केजी बेसिन से आपका प्रोडक्शन कब तक शुरू हो जाएगा? केजी बेसिन में जो गैस का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा वो जून 2019 के आसपास स्टार्ट होने की का हमारा ऐसा लक्ष्य है, और ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो मार्च 2020 के आसपास स्टार्ट होने का अनुमान है। और ये जो गैस का प्रोडक्शन होगा, ऑयल का प्रोडक्शन होगा, काफ़ी भारी मात्रा में होगा। 17 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से गैस का प्रोडक्शन किया जाएगा, जो कि भारत के जो कि ONGC के टोटल गैस प्रोडक्शन का कोई 28% है, और 77,000 बैरल्स प्रतिदिन के हिसाब से ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा 2020 अप्रैल से, जो कि ONGC के जो नॉमिनेटेड ब्लॉक्स हैं उसके प्रोडक्शन का कोई लगभग 17% है जी। लेकिन सर एक और चीज़, बड़े रिफॉर्म की तैयारी कर रही है सरकार। दरअसल सरकार LPG और जो केरोसिन पर सब्सिडी खत्म करने की दिशा में जो आगे बढ़ रही है, और केवल ज़रूरतमंदों को, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को ये सब्सिडी दी जाएगी, इससे एग्जैक्टली कारोबार पर कितना असर पड़ेगा सर? जहाँ तक तेल उद्योग का सवाल है, ये तो सेक्टर के लिए अच्छा ही है, क्योंकि हम सब्सिडाइज रिजीम से की तरफ से मार्केट डिटरमिनेंट प्राइसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो तेल और गैस उद्योग के लिए तो ये अच्छी ही बात है। बिल्कुल, चलिए मिस्टर सराफ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स।